الشيطان الرجيم بسم الله فلله العزة جميعا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد बेशुमार लातादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस्साकलैन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते साहिबो और अजीज साथियों रब्बे कायनात ने इस दुनिया कायनात अंदर हर किस्म के लोगों को पैदा फरमाया तबीयत अपनी अपनी होंदिया ने मिजाज अपना अपना होंदा है कुछ लोग बुरे होंदे ने ते कुछ लोग अच्छे होंदे ने हर बंदे की ख्वाहिश होंदी है चाहे वो अच्छा है या बुरा है हर इंसान की ख्वाहिश ये होंगी है कि मैं मुआशरे का मुअज्जज तरीन फर्द बन जावा लोग मेरी इज्जत करन लोग मेरा एहतराम करन लोग मैनु इज्जत की निगाह नाल देखन और फिर इंसान इस इज्जत नूं पान वास्ते कोशिश करता है मेहनत करता है कोई आंदा जनाब मैं रातों रात लखपति बन जावा करोड़पति बन जावा पैसा आ जाएगा तो इहदे अंदर इज्जत है लोग मेरी इज्जत करनगे कोई आंदा है मैं किसी ओहदे ते बराजमान हो जावा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे मेरा एहतराम करेंगे एक कदम अगे चलिए कोई आंदा है जी मैं पाकिस्तान छड़ के बैरून मुल्क चला जावा ओथे जाके मेहनत करा मजदूरी करा पैसे कमावा लोग मेरी इज्जत करेंगे आइए जरा अज दे इस खुतबा जुमा अंदर वेखिए कि इज्जत किन अमाल की वजह तो मिलेगी और केड़ियां ऐसिया चीजा ने कि जिन्हों की वजह तो अल्लाह जुल जलाल दुनिया अंदर भी इज्जत अता फरमानगे और आखरत अंदर भी इज्जत अता फरमानगे दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारिआं नू इज्जत वाले लोगों की सफ में शामिल फरमा दे इब्तदा अंदर जरा एक बात जहन नशीन फरमा लो कि इज्जत देवे ते तद भी अल्लाह दे के खो लै ते तद भी बोलो तद भी अल्लाह अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने
इस बात का ऐलान कुरान पाक अंदर फरमाया ते की आखिया, अल्लाह फरमाते ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। तेरी अजमत तो सदके जावा लाख वार कुर्बान जावा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने कुरान पाक अंदर इस बात का ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते ने वा तो इज्जो मन तशाओ वा तो जिल्लो मन तशाओ, मैं रब जिन्हों चावा इज्जत अता कर देवा, वा तो जिल्लो मन तशाओ ते मैं रब जिन्हों चावा जलील करके रख देवा। ए मेरे मालिक दे इख्तियार अंदर ने इज्जत दे देवे ते तद भी अल्लाह दे के खोले ते तद भी अल्लाह, तकसीम मेरे मालिक दिए फैसले मेरे मालिक देने सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा जे अल्लाह इज्जत देन ते आ जावे ते कल तक गलियां च रुलियां खुले हनु अल्लाह तख्तां दा मालिक बना दें देने, ते जे अरशा वाला रब जलील करन ते आ जाए ते कल तक तख्तां दे बहन वाले अल्लाह उन्हां नू गलियां दे कखां नालों भी हौला बना दें देने। ए उस मालिक दे फैसले ने वा तो इज्जो मन तशाओ वा तो जिल्लो मन तशाओ, अल्लाह जिन्हों चावे इज्जत ता कर देवे अल्लाह जिन्हों चाहे जलील करके रख। एक मिसाल समझो ना, एदी मिसाल इंज समझो, कौन मन सकदा सी कौन यकीन कर सकदा सी भरावां ने खूह विच सुट्टिया है इथो निकले ते अजीजे मिस्र दे घर चले जांदे ने, इथो निकले ते जेले चले जांदे ने, ते जेलियों कढ के रब ने सीधा मिस्र दा बादशाह बना दिता है। कौन मन सकदा है हथी सुटिया भरावां ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो कौन यकीन कर सकदा है। ईमान नाल दसो जे भरावां नू पता हुंदा यूसुफ नू खूह विच सुटिया तख्त लभना सी कदी खूह विच सुट दे कदी ना सुट दे, आप छाला मार दें दे यूसुफ नू ना सुट दे। अल्लाह ने जनाबे यूसुफ नू मिस्र दा बादशाह बना छड़े आए, वा तो इज्जो मन तशाओ वा तो जिल्लो मन तशाओ, अल्लाह जुल जलाल जिन्हों चावे इज्जत ता कर देवे। और बड़ी प्यारी साहिबे दिल ने गल की थी, आंदे ने है ओ अपनी मर्जी वाला है ओ अपनी मर्जी वाला ते जो चाहे सो कर दा, एक अकला बाज शरीकों एक अकला बाज शरीकों ते है सुल्तान अमर दा, बादशाहनू तख्तों सुटे बादशाहनू तख्तों सुटे ते पल विच करे वीराना, ऐ आजज ते मिसकीना ताई ओ दे देवे तख्त शहाना।
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਮ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਤਖਜ਼ੂਨਾ ਅਲਕਾਫਰੀਨਾ ਔਲੀਆ تَغُونَ إِمْدَهُمُ الْإِزَّةَ فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللہ ذو الجلال نے اعلان کیتا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ कुछ लोग ऐसे ने जेड़े मोमन मुसलमाना नू छड़ के ते इस्लाम दे वैरियां ते इस्लाम दे दुश्मनां नाल यारियां लगांदे ने, मुसलमाना नू छड़ के ते गैर मुसलमान नाल यारियां लगांदे ने, ते मकसद की है आयाब तगुना इमदाहुमुल इज्जत, उन्हां कोलों इज्जत हासिल करन वास्ते, उन्हां कोलों एहतराम पाण वास्ते तो आवाज आती है किसे भलेखे बिच नारे आ जे फइन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआं। इज्जत काफरां नाल यारी लान बिच नहीं, इज्जत किदे कोले, इज्जतां दा मालिक अल्लाह जे, इज्जतां देन वाला अल्लाह जे। मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां, कुरान दा एक तीसरा मकाम, अल्लाह ने गल उत्थे भी इज्जत दी फरमाई है। मैं कुर्बान जावां, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जावां ओ कामों की वाले हो जानते हो ना केड़ा दुख है जेड़ा मक्के वाले हने मेरे आकर सलाम नु नहीं पहुंचाया, केड़ी तकलीफ है जेड़ी मक्के वाले हने मेरे पाक पैगंबर ले सलाम नु नहीं दीती, किते ना जालिम ने मेरे आका ले सलाम तेरे रस्ते अंदर कांटे बिछाए ने, किते ना जालिम ने मेरे आका ले सलाम दे रस्ते अंदर गड़े खोदे ने, किते ना जालिम ने मेरे आका ले सलाम ते गंदियां ओजरियां छुटियां ने, किते ना जालिम ने मेरे आका ले सलाम दे गल पाक विच कपड़े पा के ते वट चाड़े ने, केड़ा दुख है केड़ी तकलीफ है जेड़ी आमिना दे लाल ले सलाम नु नहीं पहुंचाई गई। एदा मकसद की है कि नबी पाक अली सलाम दी इज्जत विच फर्क पाण दी कोशिश कीती जावे, नबी पाक दे मुकाम अंदर फर्क पाण दी कोशिश कीती जावे। ओ वेंदे नहीं जे मेरे हाथ होवे या तेरे हाथ होवे, असी ते बंदे तलाश करने आं। आ लगा जरा अपने मुआशरे दा चक्कर लगाना, मेरी जात होवे या तेरी जात होवे, लोग तलाश करदे ने, लोग हस्तियां लभदे ने, लोग आंदे ने इनू फड़ो, ए बहुता हाजी ते नमाजी बनया फिरदा है, ओ तैनू बहुतियां ऐतां ते रवायतां आउंदियां ने, तू बहुतियां नमाजां पढ़ना है, तू बहुते रोजे हज ज़कातां देना है, असी ते लोगां दे ऐब लभने आं, असी उहनां नू जलील करन दी कोशिश करने आं। ओ मेरे वीर लोगां दे ऐब ना लभिया कर, लोगां दे ऐबां दियां परदा पोशियां करिया कर, लोगां दे ऐबां ते परदे पाया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के लोगां दे ऐब छुपांदा, अल्लाह कयामत नू ओदे ऐबां ते परदे पा देवेगा। और नबी पाक दा फरमान है गिरामी, कयामत दा दिन होएगा, एक नौजवान अल्लाह जुल जलाल ना उन्होंने इंजा अपनी रहमत की चादर विच ले लै, सुभान अल्लाह, रहमत की चादर विच लैके ना ते फरमाया ए वेख तेरे रजिस्टर गुनाहों दे
सज्जे गुना, खब्बे गुना, अग्गे पिछे गुना ही गुना। ए गुना कीता ही जी मालिक हो गया, ए कीता ही जी मालिक हो गया, हर जुर्म का इतराफ हो गया। ते ए बंदा समझ जाएगा कि हुण मैं इतराफ कर लिया, हुण ते जन्म पक्का हो गया। ते अल्लाह सुल जलाल की आखणगे, सारे गुनाह कीते नहीं जी मालिक कीते ने, गलती हो गई है। फरमाया तो दुनिया ते रह के लोगों के ऐबा के परदे पांदा रहा, मैं अपनी रहमत के परदे विच लै के तेरे ऐबा ते भी परदे पा दिते। परदे पाया कर, लोगों के ऐब लभिया ना कर, ऐबा ते परदे पाया कर, रब तेरे ऐब छुपा देवेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मक्के वाले आने केड़ा दुखे जेड़ा मीना दे लाले सलाम नो नहीं पहुंचाया। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक अलैहि सलाम दे मकाम अंदर, इज्जत अंदर इन्ना जालिमा ने फर्क पान दी कोशिश की थी है। अरशां तो आवाज आती है, वला यहजुन का कौलुहुम इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीया। सोनिया महबूबा वला यहजुन का कौलुहुम, इना दिया गल्ला सुन के परेशान ना होया जे, इना दिया गल्ला सुन के दिल ना छोटा करे जे। वला यहजुन का कौलुहुम, इन्हां दियां गल्लां सुन के परेशान ना होया जे। क्यों? क्योंकि इज्जतां दे मालिक ए नहीं, इज्जतां दा मालिक ते अल्लाह है। इज्जतां दे मालिक ए नहीं, इज्जतां दा मालिक ते अल्लाह। और जिन्नू जिन्ने नबी पाक नू तकलीफ दित्ती है, जिन्ने ने नबी पाक नू परेशान कीता है, मेरे आका ने अगो उफ तक नहीं आखिया, ना उहदे वास्ते बद्दुआ कीती है, बल्कि इक्को ही जवाब है, ओए पत्थर मारन वाले यारा, पत्थर मारन वाले यारा, जे मेरे वल आवे मैं नाल मोहब्बत सीने लावा, तू कदी ना दोजख जावे। नबी पाक दा इक्को जवाब है, नबी पाक ने बद दुआवां नहीं दितियां, बल्कि उन्हां वास्ते दुआवां कीतियां ने। मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां, दुनिया दे अंदर इज्जत किवें मिलेगी? मैं ना दुनिया दे अंदर इज्जत ना ओहदियां दी वजह तो मिलेगी, ना माल दी वजह तो मिलेगी, बल्कि इज्जत मिलेगी ते रब दे कुरान दी वजह तो मिलेगी। इज्जत मिलेगी दुनिया अंदर अल्लाह दे कुरान दी वजह तो मिलेगी, इज्जत मिलेगी आखरत अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कुरान दी वजह तो मिलेगी। एदी मिसाल इंज समझो ना, आओ जरा गौर करना, माजी बईद वल लै चलना, अज लोग आंदे ने मौलाना दुआ करे जे अल्लाह इमाम बुखारी दे दर्जात नू बुलंद कर देवे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हदी इसकी खिदमत की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह दे कुरान की खिदमत की है। आओ माजी करीब लै चलना, लोगों दे ने मौलाना दुआ करे जे अल्लाह सैयद अब्दुल गनी शाह दे दर्जात बुलंद फरमा देवे। क्यों दुआवां हुंदियां ने? अज तेरी मस्जिद दे मिंबरों मेहराब अंदर दुआवां हुंदियां ने ते अल्लाह वाले वास्ते हुंदियां ने। अज लोग आंदे ने मौलाना दुआ करे जे अल्लाह हबीबुर रहमान यजदानी दे दर्जात बुलंद फरमा देवे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जाना कुरान तो कुर्बान कर दितियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जाना हदीस तो कुर्बान कर दितियां। अल्लाह जुल जलाल इज्जत दें दे दे ते कुरान की वजह तो दें दे दे। एदी मिसाल इंज समझो, मेरे और
तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने तिरमजी शरीफ दी हदीस है, कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी ने अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी शहीद हो गए ने, अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान हो गए ने। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथी वास्ते दुआए मगफिरत फरमा रहे ने। सारे दिन नबी पाक ने इहदे वास्ते दुआवां कीतियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहदी बख्शिश ते मगफिरत दियां दुआवां कीतियां ने। एंड शाम दा वेला है, मगरब दी नमाज दा टाइम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम कब्रस्तान चो आ गए ने ते नमाज़े मगरब अदा कीती है। ते मगरब दी नमाज पढ़ के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ अंदर लालटेन पकड़ी है, रोशनी दा कोई आला पकड़िया है। ते कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रस्तान वल रवाना हो जांदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रस्तान पहुंच गए ने ते जाके उस साथी दी कब्र ते दुआए मगफिरत फरमा रहे ने। सहाबाए किराम ने मंजर वेखिया ना ते अर्ज करदे ने, अल्लाह दे नबी जी खैरियत है वे ना, अज सारा दिन तुसी ओदे वास्ते मगफिरत दी दुआ कीती है ते हुण फिर ओदी कब्र ते आ गए हो दुआवां करन वास्ते, खैरियत है वे ना। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, साथियो गल वे मैं एदे वास्ते बख्शिश ते मगफिरत दी दुआ इस वास्ते करना वा पिया, ए मेरा साथी कुरान दी बड़ी कसरत नाल तिलावत करिया करदा सी। कुरान दी कसरत नाल तिलावत करिया करदा सी ते मैं तां इहदी कबर ते आके बख्शिश ते मगफरत दी दुआ कर रहा वां। इस वास्ते दुनिया अंदर इज्जत भी कुरान नाल है, आखरत दी इज्जत भी कुरान नाल है। मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ते नाल जनाब अबू बैदा इब्ने जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जा रहे ने, सफर विच जा रहे ने ते हजरत उमर वक्त दे हुक्मरान ने अमीरुल मोमिनीन ने ते अपनी सवारी ते सवार ने। रस्ते अंदर ना एक दरिया आया ते जनाब उमर अपनी सवारी तो नीचे उतरे, अपने मोजे उतार के ते कंधे ते रख लैने ते डाची दी मुहार फाड़ के टुरन लग पैने। ते अबू उबैदा इब्ने जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करते ने, सोने हो अमीरुल मोमिनीनो वक्त दे हुक्मरानो ते एक ही कम कीता जे, आप ही मुहारा फड़ लिया जे ते आप अपनी जुत्ती नू अपने कंधियां ते रख लिया जे। ते जनाब उमर ने जेड़ा जवाब दिता है खुदा दी कसम सोने दे पानी ना लिखण वाला जे। हदीस पाक दे अल्फाज ने जनाब उमर फरमांदे ने, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़न अल्लाह बिल इस्लाम। अबू बैदा तू आने डाची दी मुहार फड़ ली, जुत्ती मोढ़ियां ते रख ली, ए की कीता जे, तैनू नहीं पता? इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, असी ओ यरब दे बद्दू आ, असी ओ यरब दे जाहिल ते अनपढ़ गंवार जिन्हां नू पता ही किसे गल दा नहीं, औरत दी इज्जत दा नहीं पता, औरत दी तकरीम दा नहीं पता। ते अबू बैदा तू आने एक काम की कीता है, फ़अअज़्ज़न अल्लाह बिल इस्लाम, ये सारियां इज्जतां लभियां ने ते इस्लाम दी वजह तो लभियां ने। इस्लाम अंदर इज्जत है, कुरान अंदर इज्जत है, नबी पाक दे फरमान अंदर इज्जत है। सीने ना लाते सही, कुरान पढ़ते सही, हदीस पढ़ते सही,
नबी पाक दी हदीस दा मुताला करते सही दुनिया अंदर भी इज्जत कुरान नाल ते बोलो, आखरत दी इज्जत भी कुरान नाल। ए है दुनिया दी इज्जत, दुनिया अंदर इज्जत अल्लाह जुल जलाले वली कराम कुरान दी वजह तो अता फरमांदे ने, ते आखरत दी इज्जत भी अल्लाह जुल जलाल कुरान दी वजह तो अता फरमांदे ने। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जंगे तबूक दा ऐलान कीता, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन अमीर मुकर्रर फरमाए ने, एक जनाबे ज़ैद बिन हारसा ने, ते एक जनाबे अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, ते एक जनाबे जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तीन अमीर नबी पाक ने मुकर्रर फरमाए ने, फरमाया जंग वास्ते जाना है, अगर एक शहीद हो जाए तो दूसरा लश्कर की क़यादत करेगा, अगर दूसरा भी शहीद हो जाए तो तीसरा लश्कर की क़यादत करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म ते आमन्ना सद्दकना दी मोहर लगा के नबी पाक अलैहिस्सलाम दे साथी निकल गए ने जंग वास्ते, मेरे आका दे गुलाम निकल गए ने। मैं कुर्बान जावा मर्जियां मेरे रब दिया ने, मैदान जंग अंदर लड़दियाँ लड़दियाँ जनाबे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिते जांदे ने, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिते जांदे ने, ते बेलाखर जनाबे जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग अंदर लड़दियां लड़दियां अलमे जिहाद थामे आए, सज्जे बाजू ते बेईमान ने वार कीता, सज्जा बाजू कट जांदा है, जनाबे जाफर दे खब्बे बाजू ते वार कीता, खब्बा बाजू भी कट जांदा है, बेलाखर जनाबे जाफर अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद कर दिते जांदे ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे पाक पैगंबर ने सलाम तक खबरां पहुंचियां, और जानदे हो ना काम की दे बसियो, नबी पाक नाल जनाबे जाफर दा कोई एक रिश्ता ते नहीं, जनाबे जाफर नबी पाक दे चचा दाद पाई भी लग देने, अलीयुल मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रा दे बड़े भाई जनाबे जाफर ने रजी अल्लाह ताला अन्हो, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे बड़े करीबी साथी ते नबी पाक दे सहाबी ने जनाबे जाफर रजी अल्लाह ताला अनहो मैदान जंग अंदर लड़दियां लड़दियां शहीद कर दिते जांदे ने। खबरां मेरे पाक पैगंबर ने सलाम तक पहुंचियां, मेरे आका ने सलाम अपने घरों निकले ने, ते जाके जनाबे जाफर दा दरवाजा खटखटाया, असमा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अनहा जनाबे जाफर दी बीवी दरवाजा खोले आए, मेरे आका ने सलाम मंदर तशरीफ ले आए ने, आसमान जी आका फरमाया मेरे जाफर दे बच्चियां नू ते लै के आ, एंड मकान दे वेड़े विच जनाबे जाफर दे मासूम बच्चे खेल देने पै। मेरे आका ने इस्लाम ने बुलाया, नाले मेरे आका प्यार कर देने ते नाले मेरे आका रोई जा रहे ने, जारो के तार नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहने, ते असमा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज कर दिया ने, सोनिया महबूबा खरीयत है बिना अज इस हस दे वास्ते मुस्कुराते चेहरे ते किवें आंसुआ दियां झड़ियां लग गईयां ने, हुजूर खरीयत है बिना, ते मेरे आका फरमाते ने असमा अज मेरे जाफर दे बच्चे यतीम हो गए ने, अज जाफर दे बच्चे यतीम हो गए ने, जाफर अल्लाह दे रस्ते अंदर लड़दियां लड़दियां जामे शहादत नोश कर गया है। इन्ना लिल्लाहि व
अपना गिरेबान चाक नहीं जे कीता, अपने वाल नहीं नोचे, बल्कि एक कोई तरह न इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सी तेरी रजा ते राजियां, एक चीख मारी ते असमारों लग पैंदियां ने। जानते हो ना मुरीद के वाले हो, औरत घर अंदर अपने घर अंदर मलका दी हैसियत रख दिए, सिर दा साई फौत हो जाए, इंज संभलो के औरत अपने तख्त तो डिग पैंदी है। आसमां दा सुहाग उजड़ गया है, आसमां दा सुहाग लुट गया है, जाफर शहीद कर दिते गए ने, आसमां रो रहियां ने, ते मेरे आका दिलासे दे रहने। आसमां परेशान ना हो, दुख अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह, मुसीबत अपनी जगह, पर आसमां मैं तेनू एक खुशखबरी भी सुनाना चाहना वा, मैनू रब ने वखाया जाफर जन्नत विच ने, जाफर जन्नत विच ने, ते मैदाने जंग अंदर जाफर दे दोनों बाजू काट गए सन। मैदाने जंग अंदर दुश्मना ने इस्लाम ने जाफर दे दोनों बाजुआं नू काट दिता सी। आसमां मैनू रब ने वखा दिता है जाफर जन्नत विच ने, ते अल्लाह ने जाफर नू दो बाजुआं दे बदले दो पर अता कर दिते ने। ते इत्थे ही बस नहीं, दो पर अता कीते ने, जाफर जन्नत विच रब दे फरिश्तियां नालों उड़दा फिरदा है। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जावा, ओई महान नाल दसो, ए जाफर ओई ने जिन्हें नजाशी दे दरबार विच जनाब बबांगे दोहल अल्लाह दा कुरान सुनाया, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां कीतियां। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अल्लाह ने सारियां इज्जतां जाफर नूं कुरान दी वजह तो अता फरमा दित्तियां ने। सारियां इज्जतां अल्लाह जुल जलाले वली कराम ने जनाबे जाफर रजी अल्लाह ताला अनहोनो अल्लाह ने कुरान दी वजह तो अता फरमा दितियां ने। नबी पाक दे फरमीन नो सीने न अल्लाह दी वजह तो अता फरमाइया ने। मैं कुर्बान जावा, मैं सदके जावा, ए ते जनाबे जाफर ने ना रजी अल्लाह ताला अनहो, मेरे पाक पैगंबर रही सलाम देख साथी ने हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अनु, नबी पाक अलैहि सलाम दे बड़े प्यारे दे करीबी साथी ने हजरत साद रजी अल्लाह ताला अनु, कोई 32-33 साल दी उम्र है जनाबे साद दी, ते गजवाए खंदक अंदर एक तीर लगा बाजू ते, ते रग कट गई, बीमार हो गया, ते इन्ने शदीद बीमार होए, तकलीफ इतनी आई कि उस तीर लगन दी वजह तो वफात पा गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम नू पता चलिया, बड़े परेशान होए, साथी दी वफात दा गम में जनाजा तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे अंदर शरीक ने, ते सहाबाए किराम ने जनाबे साद दा जनाजा उठाया है, ते सहाबा फरमांदे ने जनाबे साद दा जनाजा जिसम इतना हल्का सी, पता ही नहीं सी चलदा उते जिसम है भी है कि नहीं, इतना हल्का। ते मुनाफिकीन नूं पता चलिया साद दा जनाजा इतना हल्का, उन्हां नूं गल करन दा मौका लभ्या, उन्हां आख्या वेख्या जे जनाजा इतना हल्का है, पता ही नहीं ये रब वल्लों कोई सजा दित्ती है रब ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं पता चलिया,
मेरे आका ले इस्लाम फरमाते ने उन्हां कमलिया नूं ते पता ही नहीं। वह आते ने जिसम हल्का सी रब वालों सजा है। मैं खुद वेखिया मेरे साथ दा जनाजा रब दे फरिश्तियां ने चुकिया सी। रब दियां फरिश्तियां ने चुकिया सी। वह आते ने सजा दी है। मैं अल्लाह दा नबी आना। अल्लाह जुल जलाल वली ग्राम दे नूरानी फरिश्तिया ने जनाब साद रजी अल्लाह ताला अन्हो दा जनाजा उठा। ए दी आवाज ठीक कर यार, स्पीकर गला खिंचदा। जनाब साद रजी अल्लाह ताला अन्हो दा जनाजा अल्लाह दे फरिश्तिया ने चुकिया सी। मैं कुर्बान जावा और नबी पाक अली सलातु सलाम फरमांदे ने के जनाब साद दे जनाजे अंदर अल्लाह जुल जलाल दे 70,000 मलाइका ने शिरकत की थी। 70,000 मलाइका ने अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे मलाइका ने जनाबे साद रजी अल्लाह ताला अन्हो दे जनाजे अंदर शिरकत की थी। ईमान नाल दस ए इज्जत क्या दुनिया दे ओहदे दी वजह तो मिलिया ने। ए इज्जत क्या दुनिया दे माल दी वजह तो मिलिया ने। ए सारिया इज्जत मिलिया ने ते नबी पाक अली सलाम दे फरामी नू सीने ना लां दी वजह तो मिलिया ने। कुरान दी वजह तो मिलिया ने ते इस्लाम दी वजह तो मिलिया ने। ए सारिया इज्जतां अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने कुरान अंदर रखिया ने इस्लाम अंदर रखिया ने आमीन दे लाल दे फरमान अंदर रखिया ने। मैं कुर्बान जावा मैं सदके दावा नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं कुर्बान जावा कुरान आया अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने सोनिया इज्जतां मेरे कोल ने ते दुनिया दे लोगों विच ऐलान कर दियो जेड़ा बंदा इज्जत दा मुतलाशी है मेरे दर ते आ जाए मैं अल्लाह ओनू इज्जत नाल हमकिनार कर देवांगा। ओनू दुनिया अंदर भी इज्जत देवांगा ओनू आखरत अंदर भी इज्जत देवांगा। और अल्लाह जुल जलाल ने नबी पाक ने इस्लाम दे साथियों नू किन्नियां इज्जत अता कीतियां ने। दुनिया अंदर भी इज्जत वाले वकार वाले ते जे कल रब दे दरबार विच गए ने ते उत्थे भी इज्जत वाले ते वकार वाले। मैं कुर्बान जावा मैं सदके जावा मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलाम दे साथी ने जनाबे अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। अजे मुसलमान नहीं होए इस्लाम कबूल करन दा वाकया बड़ा अजीब। पाप फौत हो गया मां अलहदा रहिंदी है ते आप चाचे की कफालत बेच ने चाचा परवरिश कर रहे हैं ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम पता चलिया इस्लाम कबूल करन दी बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई। नबी पाक जो मक्यों हिजरत करके मदीने आए और मदीने जो नबी पाक मक्का फतह किया ना तो जनाबे अब्दुल्ला इस्लाम कबूल करन तो पहला इन्हों का नाम सी अब्दुल उज़्ज़ा। तो चाचे नूं कहन लगे मैं बड़ा इंतजार किया तुहाडा कि तुसी नबी पाक का कलमा पढ़ लो पर तुसी ते नहीं जाना हुण मेरे कोलों सबर हुंदा सबर नहीं हुंदा मैं कलमा पढ़ना है मैं नबी पाक की गुलामी इख्तियार करना चाहना। चाचा कहन लगा कमला होया सारा मेरा दिता खा के मेरा दिता पहने आई खाना भी मेरे कोल है पाना भी मेरे कोल है ते कलमा मुहम्मद का पढ़न लगा शर्म नहीं होती सल्लल्लाहु कहन लगे चाचा बस सुन सबर नहीं हुंदा। कहन लगा अब्दुल उज़्ज़ा मैं हर शह खोलांगा। कहन लगे हर शह देनी मंजूर है पर मुहम्मद नू नहीं छड़ सकदा हर शह लिले। कहन लगा ठीक है सारा कुछ वापस कर दे सारा कुछ दे दिता
टुरन लगे दे चाचे ने एक ताना मारिया। कहन लगा अब्दुल उज़्ज़ा जेड़े गल विच कपड़े पाए नी ए भी ते मेरिया कमाइया दे पाए नी। अब्दुल उज़्ज़ा ने तन दे कपड़े ला के सुट दिते ने ते अपनी मां दे बूहे ते आ गए ने। इंज दरवाजा खड़काया, अम्मी मैं मुहम्मद करीम दा कलमा पढ़न जा रहा वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मां गुआं दिए वे अब्दुल उज़्ज़ा जे मुहम्मद दा कलमा पढ़ना ही ते मेरे बूहे ते लैन की आया है, मेरे बूहे ते की लैन आया है। ते जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अनु फरमांदे ने, अम्मी मैं कोई जायदादां दा सवाल नहीं लैके आया, मैं कोई दौलतां दा सवाल नहीं लैके आया, मेरे जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं, कोई कपड़ा दे दे मैं अपने जिस्म नूं टक के ते नबी पाक दी मजलस विच बह सकां। अम्मी जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं, कोई कपड़ा दे दे। मां ने अंज दरवाजे चो एक फटिया पुराना टाट बार सुटे आए। जनाबे अब्दुल उज़्ज़ा ने एदे दो टुकड़े कर लेने, एक उत्ते ले लेंदे ने ते एक लक नाल बन लेंदे ने। ते टुर पैने मस्जिद नबी वल, फजर दा टाइम है, मेरे आका अलैहि सलाम मस्जिद नबी अंदर तशरीफ लैके आए ने। एंजे नुकर विच जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एंज रोशनी हाथ विच फड़ी है, कोई लाइटां दा इंतजाम ते है नहीं सी। मेरे आका दे कोल गए ने जाके आंदे मुसाफर जाब ने, जी सोने मुसाफरा ते तुहाडी गुलामी इख्तियार करन आया वा। अच्छा तेरा नाम की है? जी मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। आका फरमांदे ने जे कलमा पढ़न आया ते हुन अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, हुन तू अब्दुल्ला बन गया है। अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, हुन तू अब्दुल्ला बन गया है। अब्दुल्ला ज़ुल्बजाद है, ज़ुल्बजाद है दा माने दो कपड़िया वाला, दो कपड़िया वाला, दो टाटा वाला, जिन्हें एक उत्ते ले लिया ते एक लक नाल बन लिया। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जंग दा ऐलान कीता है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आए ने। अल्लाह अल्लाह जो कलमा पढ़िया ना जनाबे अब्दुल्ला रसी अल्लाह ताला उन्होंने कलमा पढ़िया ते कुरान नाले ना प्यारे। मेरे पाक पैगंबर ते उतरन वाले कुरान नाले नी मुहब्बत है। एंड फजर दा टाइम है, सहाबा सुनता पढ़ते ने ते अब्दुल्ला कुरान ही पढ़ी जाते ने। उच्ची उच्ची कुरान दियां तिलावतां करी जाते ने। ते हजरत जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अनहो जरा जज्बाती तबीयत दे सन, जरा सख्त तबीयत दे सन। आके नबी पाक अलैहि सलाम नू कहन लगे, बल्कि जनाबे अब्दुल्ला नू कहन लगे, कहन लगे यार गल सुन, असी सुन्नता पढ़ने आ, नफल पढ़ने आ, ते तू उच्ची उच्ची कुरान दी तिलावत करी जाना है, सानू तंग ना करिया कर, डिस्टर्ब ना करिया कर। ए हजरत उमर दियां गल्लां नबी पाक अलैहि सलाम दे कन्नी पै जांदियां ने। मेरे आका ने जनाबे उमर नू बुलाया, उमर जी आका फरमाया गल सुनना, क्यों नू तंग करना है, क्यों नू तंग करना है, गुस्सा क्यों करने है। उमर इनू कुरान पढ़न दिया कर, जिमें पढ़दा ए ते कुरान पीछे सारा जहान छड आया है। इनू पढ़न दिया कर, जिमें कुरान पढ़दा इनू पढ़न दिया कर, ए ते कुरान पीछे सारा जहान छड के आ गया है। ओ जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे आका ने सलाम ने जंग दा ऐलान कीता ते चाई चाई खुशी खुशी मेरे आका ने सलाम दे कोल आए ने। ते आके अर्ज करदे ने, अल्लाह दे नबी जी मैनू शहादत दी बड़ी तमन्ना है,
इंज करो अल्लाह को मेरे वास्ते शहादत की दुआई कर दियो। मेरे पाक पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने, अच्छा अब्दुल्ला इंज कर, किसे दरख्त का छिलका उतार के ले आ। जनाबे अब्दुल्ला चाई चाई खुशी खुशी शहादत का शौक बड़ा, शहादत का चा बड़ा, खुशी खुशी जनाबे अब्दुल्ला दरख्त का छिलका उतार के ले आए ने। आज मेरे पाक पैगंबर ने अब्दुल्ला दे बाजू ते छिलका बन दिता है। एंड आसमान वल मेरे आका ने निगाह उठाइया ने, ते फरमांदे ने अरशा वाले रब्बा मैं अब्दुल्ला दा खून काफरां ते हराम करना वा। यानी अब्दुल्ला शहीद नहीं होना चाहिदा। ते अब्दुल्ला नबी पाक दे चेहरे वल वेंदे ने, सोने हो मैं तमन्ना की लैके आया ते दुआ की कर दीती जे, मैं शहादत की तमन्ना लैके आया, तुसी आंदे हो तेरा खून काफरां ते हराम है। ते नबी पाक फरमांदे ने अब्दुल्ला गल सुन, जिस बंदे दे दिल विच ख्वाहिश होए शहादत दी, कादी शहादत दी तमन्ना होए, आरजू होए, ते आ फरमांदे ने वो अल्लाह दे रस्ते विच जदों निकलदा है ना, भावें बुखार नाल ही फौत हो जाए, अल्लाह नूं शहादत दा दर्जा अता कर देंदे। शर्त ए वे के दिल विच शहादत दी आरजू होनी चाहिए है, तमन्ना होनी चाहिए है। अल्लाह सानू सारे नू शहादत का शौक पैदा फरमा। फरमाया सोने मैं शहादत की तमन्ना लैके आया, तुसी दुआ की कर दीती है। फरमाया अल्लाह के रस्ते विच निकली है ना, बंदा बुखार नाल फौत हो जाए तद भी शहीद है, अपनी सवारी तो डिग के फौत हो जाए तद भी शहीद, शहादत है। चलेगा जंग वल, जंग करन वास्ते चलेगा, 20 दिन उथे जाके दुश्मन दे इंतजार किया, दुश्मन आया। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने उसे सफर अंदर इतने बीमार होए, इतना बुखार आया कि उसे बुखार की वजह तो वफात पा गए। नबी पाक अलैहि सलाम नु पता चलिया अब्दुल्ला फौत हो गया ने, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक अलैहि सलाम नु पता चलिया, आका अलैहि सलाम रो रहे ने, जारो के तारा सुबहा रहे ने, ते मेरे आका अलैहि सलाम दे साथियों ने अब्दुल्ला दी कबर तैयार कर दीती है। ते हजरत उमर ते जनाबे अबू बकर ने एंड जनाबे अब्दुल्ला दा जिसम चुकिया, हजरत अब्दुल्ला दा जस्ते खाकी उठाया है, ते हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो कबर तैयार कर रहे ने। ओ कामों की वाले ओ, पांच खुश नसीब ऐसे ने, पांच खुश नसीब किस्मत वाले ऐसे ने कि जिन्हां नूं नबी पाक ने आप अपने हाथों से उठा के ते अपने हाथों नाल कबर विच रखे आए। उन्हां पंजां विचों एक खुश नसीब जनाब अब्दुल्ला ने रजी अल्लाह ताला अन्हो कि जिन्हां नूं नबी पाक ने आप कबर विच उतारे आए। एंड जनाब अबू बकर ते जनाब उमर ने जनाब अब्दुल्ला जस्ते खाकी उठाया है, ते मेरे आका ने इस्लाम नु इंज पकड़ाया, मेरे आका आप कबर विच उतरे ने, ते अब्दुल्ला दा जस्ते खाकी कबर विच रख दिता है, उते मिट्टी पा दिती है, ते मेरे आका दुआ कर देने पै। आका फरमांदे ने अल्लाह अज रात तक मैं एदे ते राजी रहा वा, ते सोनिया हुण तू भी एदे ते राजी हो जा। ते दूर बैठे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने नबी पाक ने इन्नी प्यारी दुआ की थी, फरमांदे ने मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई ये जनाजा अब्दुल्ला जुल बजा दैन का ना होंदा, अब्दुल्ला बिन मसूद का होंदा, ते नबी पाक मैनू अपने हाथों नाल कबर में उठाते ते मेरे वास्ते दुआवां करते। जनाब अब्दुल्ला दे दिल में ख्वाहिश है वे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आप हजरत अब्दुल्ला नूं कबर में उतारे है और दुआ की थी, अल्लाह
अज रात तक मैं इहदे राजी रहा वा ते सोणिया हुण तू भी राजी हो जा। ईमान नाल दसो जिहदे ते रब राजी, नबी पाक राजी, उहदी दुनिया भी सवर गई, उहदी आखरत भी सवर गई। इस वास्ते अपनियां औलादां नूं कुरान वाले पासे लगाओ, हदीस वाले पासे लगाओ। दुनिया दा इलम सिखण अंदर पढ़ने अंदर कोई हरज नहीं, लेकिन लाजमी तौर पर अपनी औलादा नूं दीन दा इलम सिखाओ, कुरान दा इलम सिखाओ, हदीस दा इलम सिखाओ। कल नूं मर जाना है, कबरां विच पिया होना है, औलाद ऐसी छड़ के जा कि तू कबर विच पिया होए, दुनिया विच रह के तेरे वास्ते दुआ करे। रब्बिर हम होमा कमा रब्बयानी सगीरा, कम अज कम उन्हों तेरी बख्शिश दियां दुआवां आनियां चाहीदियां ने। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू किताब सुन्नत दा सच्चा ताबेदार बनाए और किताब सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करने तौफीक बख्शे। आखिर दावा या अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।